We have a one term here, taxonomy. Nomi. Note down. Nomi means a name. Taxo means a arrangement. Arrangement. अगर आपको प्लांट का याद है तो आपने जूनियर क्लासी में पढ़ा होगा फाइलो टैक्सी. फाइलो इज लीफ, टैक्सी इज अरेंजमेंट. दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज सेड टू बी फाइलो टैक्सी. So arrangement of names. Father of a taxonomy, Linnaeus. Taxonomy में arrangement से, for example, I am talking about any student. I am talking about Vishu. First of all, I'll ask her, I'll identify her. Then I'll ask her from where she belongs, which state, which district, which town, which sector, which house number. So that is a arrangement of name. There are various taxonomic hierarchies. There are various taxonomic hierarchies which you have studied in your junior classes. We have a phylum. We have a kingdom. We have a class. We have a division. We have a genus. We have order. We have a family. We have a species. And somewhere we have a subspecies. So these are the taxonomic hierarchies. ये एक taxonomic hierarchy है जिसका competition में question पूछा जाता है कि which of the following is actual taxonomic hierarchy. कैसे आपने याद करना है. एक हमारे पास plant है और एक animal है. तो पूछा जाता है animal में कैसे taxonomic hierarchy कैसे हैं और इनको arrange कैसे करेंगे sequence में. तो ये हाउ आई हैव डेवलप्ड इट इन अ डिफरेंट वे. एक हमारे पास एनिमल है, पेट है हमारे पास. पेट, पेट इज एनिमल, पेट इज. तो हमने लर्न करना है कीप पेट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक. कैसे याद किया हमने, कीप पेट्स क्लीन अदरवाइज बीमार हो जाएगा फैमिली गेट्स सिक. याद रहेगा, कीप पेट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक. सीक्वेंस आपको याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. आपका आंसर का भी गलत ही नहीं हो सकता. के फॉर किंगडम, अब उनको हमने नहीं किया. पी फॉर फाइलम, कभी भी आएगा आपका आंसर बिल्कुल सही होगा. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. आई थिंक क्लियर टू यू. तो ऐसे बायो को मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर को किसी ना किसी वे से एक्रोनॉमिक्स या निमोनिक्स बनाए हैं जिससे बच्चों को इजी याद होता है. फ्रूट के नाम है वो हम इस टाइप से याद करते हैं. हमारे बॉडी में 206 बोन्स हैं, उनको हम ऐसे याद करते हैं कि प्लस वन का बाट है. ये इस टाइप से नहीं करोगे तो कंपटीशन में नहीं निकल पाओगे, क्योंकि कंपटीशन में निकलने के लिए आपको बायो में 50 में से 45 क्वेश्चन प्लस वन के ठीक होने चाहिए. 40 प्लस टू के तब 85, तब आपके जाके ये 400 के करीब बनेंगे मार्क्स. गॉट इट, 350 के करीब. इज इट क्लियर. सो ये आ गया किसके बारे में, एनिमल के बारे में. अब हम करेंगे प्लांट को कैसे याद करेंगे.
तो पेट किसका है? पेट क्या है? एनिमल है, ठीक है ना। अब ये डोर है, दरवाजा, दरवाजा किसी का बना? लकड़ी का। लकड़ी क्या है? प्लांट की बनी है, तो प्लांट में आ गया। तो हम कहेंगे कीप डोर्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, गॉट इट। कीप डोर्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। पता चल गया बच्चे कि क्या आ गया? सी ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज, आई थिंक क्लियर यू। ये आ गया डिवीजन। अब सेकंड क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्लांट में डिवीजन के पैरेलल क्या होगा? क्या होगा? फाइलम। आई थिंक क्लियर टू यू। पता चल गया कीप पेट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, कीप डोर्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन वी हैव अ, अब ये हायरार्की हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ दिया। अब हम पढ़ेंगे कि एक नाम होता है जिसको कहते हैं बाइनोमियल, एक नॉमिनक्लेचर होता है, नाम होता है नॉमिनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर, दो नाम। जैसे हम कहते हैं हमारे जो सिलेबस में मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका क्या नाम है? इंडिका। क्या रूल है इसका? कि ये एम जो है ये कैपिटल होना चाहिए और आई स्मॉल लेटर, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। दूसरा है हाउस फ्लाई का है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। ह्यूमन बींग्स का है होमो सेपियंस, मस्का डोमेस्टिका होमो सेपियंस। ट्रिटिकम, ट्रिटिकम आ गया वीट का, ट्रिपिकम एस्टिवम, ये किसका आ गया? वीट का। ये पहला, तो ऐसे नाम लिखे जाते हैं, अगर एल लिखा है लास्ट तो उस नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये कुछ यूनिवर्सल नॉमिनक्लेचर है, जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर, कि इसका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमिनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमिनक्लेचर। ये तीन है, कौन कौन से? पहला बोटेनिकल नॉमिनक्लेचर, देन जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर, देन बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमिनक्लेचर। आई थिंक क्लियर टू यू। ये आगे नॉमिनक्लेचर, ये नाम दिए गए हैं कि ये नाम होना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम बाद में होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए। दीज आर वेरियस नेम्स। मैंगी फेरा इंडिका किसका आ गया? मैंगो। मस्का डोमेस्टिका, होमो सेपियन, किसका आ गया? वीट का। गॉट इट। ऐसे नाम आएंगे ये इनके के बायोलॉजी, इनके क्या क्या साइंटिफिक नेम्स हैं। देन वी हैव अ